वेरी गुड इवनिंग. टुडे सेशन ऑन आईएससी इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर विच हैज बीन ब्रॉट अप बाय द काउंसिल एंड विल डिस्कस इट इन टू पार्ट्स. टुडे विल बी डिस्कसिंग द फर्स्ट पार्ट एंड लेटर ऑन विल बी डिस्कसिंग द सेकेंड पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो. सो हियर वी स्टार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल utility. We know marginal utility is an additional utility which we derive from the consumption of an additional unit of the commodity. The formula is TUN minus TUN minus 1. So option is D. Clear? Next. Question number 2. When a consumer consumes टू गुड्स देन ही विल बी इक्विलिब्रियम. दैट इज आपको याद हो गया टू कमोडिटी मॉडल को लेकर के कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. इट इज एम यू एक्स बाई प्राइस ऑफ एक्स इक्वल्स टू एम यू वाई बाई प्राइस ऑफ वाई. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. वॉट रिलेशन डू यू नोटिस बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इन द टेबल गिवन बिलो. प्राइस 10, डिमांड 20 था, प्राइस 8 कम हुआ, डिमांड इंक्रीज हो गया. ऑब्वियसली दो ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, इंक्रीज इन डिमांड भी हो सकता है, एक्सटेंशन भी हो सकता है. बट आपको याद होगा ये एक्सटेंशन इन डिमांड है बिकॉज सिर्फ प्राइस चेंज हो रहा है. प्राइस जब चेंज होता है देन दैट इज एक्सटेंशन इन डिमांड. इंक्रीज इन डिमांड कब होता है? अदर फैक्टर्स चेंज होते हैं, प्राइस इज कॉन्स्टेंट. सो ऑप्शन नंबर सी. सो नाउ रिमेंबर, ये जो क्वेश्चन है ना, ये कुछ एक क्वेश्चन आप स्ट्रैटेजिकली आपको समझने का पेपर में क्या किया है. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. इंक्रीज डिक्रीज इन डिमांड, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन से कई क्वेश्चंस है इस बार वाले पेपर में. एंड लॉजिकल भी है बिकॉज यहाँ पे लोग बहुत बड़ा गलती करते हैं. इंक्रीज एंड एक्सपेंशन को लोग एक समझ लेते हैं, डिक्रीज एंड कॉन्ट्रैक्शन को एक समझ, बिकॉज वो कॉन्सेप्ट याद नहीं रहता है कि शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व एंड मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व. इसलिए बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, टू बी केयरफुल रिगार्डिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि क्वेश्चन से भर रखा पेपर को. क्लियर? नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4. When demand curve is parallel to x-axis, elasticity of demand is infinity. हमने कहा था elasticity क्वेश्चन भरा हुआ है. आपको याद होगा जब vertical होता है तो elasticity of demand is zero. जब parallel to x-axis है then that is infinity. Next, question number 5. Which of the given options shows the effect of elasticity of demand? All of these, right? The answer is all of these. Nature of the goods, availability of substitutes, level of income of the consumer, all are the determinants of elasticity of demand. Next question. So question number 6. Yes, the answer is correct. It is quantitative change, right? The nature relationship between price and demand is quantitative. Next, question number 7. How do you calculate total product? Summation of marginal product. Marginal product ka jab sum total karte table wise, ab utha ke dekho, then that is a total product. So it is summation of MP. Coming down to the next question, question 8. Which of the given options shows the application of increasing returns? Specialization, efficiency of factors, indivisibility of factors. ये सब के चलते increasing returns operate करता है. Because of specialization, because of indivisibility factors and because of efficiency factors. And याद होगा increasing returns is in the first stage, right? Isn't it? So it's all of these. The first stage of the law of variable proportions. Number 9. When supply, अब देखो वापस वही expansion, extension, increase, decrease. When supply increases due to improvements in technology, it is known as increase in supply. It is not extension. Extension कब होता है? Only price changes, other factors are constant. हाँ या ना? यहाँ पे बाकी सारे options कोई काम के नहीं है, right? It's increase in supply. Next, question number 10. For question number 10, the elasticity of supply is always positive because there is direct relation between supply and price.
सर एक याद कीजिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के वैल्यू हमेशा नेगेटिव क्यों आता है? बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. और इलास्टिक सप्लाई हमेशा पॉजिटिव क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड. प्राइस बढ़ता है, सप्लाई बढ़ता है. प्राइस कम होता है, सप्लाई भी कम होता है. फॉर्मूला में जाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको, ये तो बहुत कॉमन सा बात है. अदर फॉर्मूला में अगर आप जाते हैं सर, तो फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू. जब आप इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकाल रहे हैं सर, देखो पी एंड क्यू तो हमेशा पॉजिटिव है. डेल क्यू एंड डेल पी दो में से दोनों का दोनों ही पॉजिटिव है. बिकॉज प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगा. प्राइस कम होगा, क्वांटिटी भी कम होगा. राइट? या तो दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जा रहा है, या दोनों पॉजिटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. इलास्टिसिटी विल बी पॉजिटिव. एंड डिमांड वाले केस में चेंज इन क्यू एंड चेंज पी में से एक नेगेटिव होता है, इसीलिए दैट इज नेगेटिव. क्लियर? नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11. कॉस्ट ऑफ एक्सर्शन पेन्स एंड सैक्रिफाइसेस इज नोन एज रियल कॉस्ट्स. दैट इज नोन एज रियल कॉस्ट. आई होप दैट्स वेरी क्लियर टू एवरीवन. नो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड. नंबर 12. व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल पावर एंड लेबर? दैट इज एन एक्सप्लिसिट कॉस्ट. नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल पावर एंड लेबर, दे आर ऑल एक्सप्लिसिट कॉस्ट्स बिकॉज वी पे देम टू आउटसाइडर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. What is the correct formula for calculating total variable cost? TVC is equals to summation of marginal cost. ये भी है. TVC equals to TC minus TFC. ये भी है. TVC equals to AVC into quantity. ये भी तो है. So correct formula for calculating total variable cost is all of these. Very good going. Wonderful answers coming. 14. What is the relationship between AR and MR under perfect competition? AR is equals to MR, and that is a horizontal straight line parallel to the x-axis, and that is also nothing but the demand curve, and that is nothing but under perfect competition elasticity of demand is infinite. Everything are interconnected. I hope you know very well. So answer is 14. Ka answer kya hai? C. Next, coming to question number 15. Which of the following statement is true? TR equals to summation of MR. Total revenue is nothing but the sum total of marginal revenue. ये same question उसमें दिया था. वापस यहाँ पे similar question cost वाले में जैसा दिया. Next, coming to question number 16. But ये मानना पड़ेगा question बहुत अच्छा बनाया है. क्वेश्चंस बहुत अच्छा बनाया है. अकाउंट्स वाले पेपर में जैसा हम जो डिस्कस किए थे, इको वाले पेपर में बहुत अच्छा बनाया. द कॉम्पिटिटिव फर्म विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन एमआर इज इक्वल टू एमसी. द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन बोलते हैं, एंड एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो. देयर इज अ सेकंड ऑर्डर कंडीशन. रिमेंबर द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन एंड द सेकंड ऑर्डर कंडीशन. राइट? गुड गोइंग, रियली वंडरफुल. नेक्स्ट, और एक बात बोलेंगे, पहले सारा चैप्टर्स का नॉलेज आपके पास में होना जरूरी है, उसके बाद में एमसीक्यू सॉल्व कीजिए. कोई भी ऐसा नहीं कि पहले आप एमसीक्यू सॉल्व करना पड़ जाए. यू आर गोइंग द अदर वे अराउंड. फर्स्ट हैव अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ द चैप्टर्स एंड देन ओनली गोइंग फॉर सॉल्विंग. 17. इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट हु डिसाइड्स द प्राइस? सॉरी, नन ऑफ दीज. व्हाई? मार्केट डिसाइड्स द प्राइस. बहुत कॉमन लोग गलती करते हैं, लोग इंडस्ट्री को लिख देते हैं. इंडस्ट्री इज वॉट? इंडस्ट्री इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द फर्म्स. And a firm is only a price taker. So industry does not decide. Market decides the price. आपको याद होगा, demand curve and supply curve का intersection जब होता है तो price वहाँ decide होता है. Demand बढ़ गया, price बढ़ जाएगा. Supply बढ़ गया, price कम हो जाएगा. So ये सब क्या market है? Whenever we are taking demand curve and supply curve taken together, there is market. एक बहुत common error यहाँ पे students क्या करते हैं, industry को mark कर देते हैं. That's wrong. So the answer is none of these, because actually the answer is market decides the price.
नेक्स्ट क्वेश्चन 18, व्हाट इज डिटरमाइंड एट द पॉइंट वे मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई इंटरसेक्ट ईच अदर, बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। आई होप रिमेंबर द कर्व्स, जहाँ पे डिमांड के वन सप्लाई का एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है वहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पता चलता है, राइट? वी गेट द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोथ। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट गोइंग फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट अपॉन इक्विलिब्रियम प्राइस व्हेन एन इंक्रीज इन डिमांड इज मोर दैन इंक्रीज इन सप्लाई। इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा जब इंक्रीज इन डिमांड ज़्यादा है इंक्रीज इन सप्लाई से, इक्विलिब्रियम प्राइस राइजेस। आपको अच्छे से याद होगा, इसका डायग्राम्स के थ्रू भी हम लोगों ने क्लासेस में किया है। जब डिमांड कर्व, डिमांड इंक्रीज होने का मतलब क्या, डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हो जा रहा है, और डिमांड का जो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो जा रहा है। ऑब्वियसली क्वांटिटी भी इंक्रीज होता है, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है बट बोलता तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड प्राइस बोथ विल इंक्रीज। आपको याद होगा इसके बारे में बहुत सारे डायग्राम्स हम लोगों ने क्लासेस में किया है। क्लियर? नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20। फॉर क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज फ्लोर प्राइस रेफर टू, व्हाट इज फ्लोर प्राइस रेफर टू, द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। So floor price is the minimum support price. Next, question number 21. An indifference curve is convex to the origin because of diminishing marginal rate of substitution. Right? Next, question number 22. अभी इसमें आपको बता दें इंडिफरेंस कर्व से बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। यू मस्ट हैव अ बेसिक आइडिया ऑफ द इंटायर टॉपिक ऑफ इंडिफरेंस कर्व, उसके वीडियोस कराया हुआ है, आप लोगों को क्लास कराया हुआ है। एबीसी एंड एसी कर्व्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज टीसी माइनस टीवीसी, दैट इज टीएफसी विच इज कॉन्स्टेंट, राइट? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। बेसिकली अगर ऑप्शन ऐसा भी रह सकता है, एसी एंड एबीसी कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, बिकॉज इन एसी वी हैव फिक्स्ड कॉस्ट एंड एबीसी इज ओनली कंसिडरिंग ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट, सो दे कैन नॉट इंटर, दे कैन नॉट, कैन नेवर। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ रीजन ऑफ चेंज इन डिमांड। नाउ रिमेंबर, चेंज इन डिमांड कब होता है, जब प्राइस इज कॉन्स्टेंट, अदर फैक्टर्स आर चेंजिंग, चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, चेंज इन प्राइस रिलेटेड गुड्स, पॉपुलेशन इंक्रीज, ऑल ऑफ दीज आर रीजंस फॉर चेंज इन डिमांड। नेक्स्ट मूविंग डाउन टू क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द बेसिक रीजन फॉर ऑपरेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, बोथ ए एंड बी, स्केर्सिटी ऑफ फैक्टर्स as well as imperfect substitution between factors. You cannot substitute land for labor, right? So that is basically the reason. So answer is C. Law of diminishing returns, aapko yaad hoga, the second stage of the law of variable proportions. And again, that is a very important law in terms of MCQs. Bahut sa MCQs wahan se bhi banta hai. In fact, MCQs kahin se bhi ban sakta hai, but again, that's very important. 25. What is the reason for the U-shape of the short-run average cost curve? Law of variable proportion. Same case, I hope remember short-run average variable cost ka puchta hai toh, the same reason, U-shape kyun hota hai? Next, question number 26. The reason for decrease in demand, dekh lo kitna questions hai us ek portion se, increase decrease related. भर के क्वेश्चंस दिए हैं ये ना, ये आपको एनालिसिस करना चाहिए कि किस पोर्शन से क्वेश्चंस ज़्यादा आना है, उस पोर्शन को एकदम अच्छे से समझ लेना है। रटने का नहीं बोल रहा हूँ मैं, समझने के लिए बात बोल रहा हूँ मैं। यू हैव टू बी वेरी टेक्निकल इन दैट पोर्शन। द रीजन फॉर डिक्रीज इन डिमांड इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सर ए नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता सर, राइज इन प्राइस। सर
राइज इन प्राइस होते ही तो वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड हो गया सर, इट्स नॉट डिक्रीज। देख लो कन्फ्यूज हो गए, अभी इतना देर में कितनी बार बोल दिए कि यहाँ लोग क्या करते हैं डिक्रीज एंड कॉन्ट्रैक्शन एक ही समझ लेते हैं, पर सर दोनों बहुत डिफरेंट है। डिक्शनरी में एक ही मतलब है, गूगल एक ही मतलब बताएगा। गूगल में बोलोगे तो सर कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज एक ही बात है, गूगल को सब कुछ पता होता तो बात ही क्या था है कि नहीं। गूगल चाचा को सब कुछ थोड़ी पता होता तो फिर मेरे जैसे आदमी का कहाँ दरकार रहता फिर। क्लियर राइट, सो डिक्रीज इन डिमांड इज ओनली बिकॉज, बाकी देखो आप इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स होगा तो डिमांड बढ़ जाता है, तो वैसे भी नहीं है। डिक्रीज इन इनकम इनकेस इन्फीरियर गुड्स, इन्फीरियर गुड्स वाले केस में तो डिमांड बढ़ जाएगा, ये भी नहीं। डिक्रीज कब होता है? इनकेस इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्लियर, ऑप्शन ए वाला आंसर क्या हो जाएगा? अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्शन। प्लीज रिमेंबर एंड रीड दैट पोर्शन केयरफुली। मैंने आपको पहले भी कहा था एक बार कि अगर आप 5000 MCQ की भी कर लो ना, उसमें से 50 MCQ फंसेगा ज़रूरी नहीं है। सो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा देन यू कैन चैलेंज एग्जाम कि दे बेटा तू क्या देगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो अपना। क्वेश्चन नंबर 27, द डिमांड फॉर अ सर्टन ब्रांड ऑफ फ्रूट जूस इज इलास्टिक बिकॉज इट्स सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। इट फॉल्स अंडर लग्जरीज ऑब्वियसली नॉट, इट्स कंजम्पशन कैन बी पोस्टपोन, उसके लिए भी इलास्टिक नहीं। इट्स अ मल्टीपल यूज प्रोडक्ट, ऑब्वियसली नहीं होता मल्टीपल यूज प्रोडक्ट, खाली पीने के काम में आएगा, कोई और काम में नहाने के काम में नहीं आएगा, शैम्पू नहीं बना सकता उसका। राइट, द पॉइंट इज इट्स सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल, बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है इसीलिए उसका डिमांड इलास्टिक है। क्लियर। 28, द रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व इज, हाँ ऐसा क्वेश्चन दे दे मजा आ जाए, हम लोग सर 40 में 400 ले आएंगे सर। इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, सारा क्वेश्चन ऐसा दे देता। 29, विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस इज अ करेक्ट रीजन फॉर अ बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व, लेबर फर्स्ट प्रेफर्स वर्क ओवर लेजर एंड देन लेजर ओवर वर्क, पहले काम पसंद है और जैसे जैसे वेजेस बढ़ते जाते हैं उसके बाद आराम पसंद हो जाते हैं लोग, इसलिए लेबर सप्लाई कर्व इज बैकवर्ड बेंडिंग, दैट इज एक्सेप्शन अगेन राइट टू द लॉ ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द रीजन फॉर द अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व, ऑल डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, यस इसमें इट्स नॉट ऑल, आई एम सॉरी इट्स ए डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। What is the reason for upward sloping supply curve? Supply curve positive slope क्यों होता है? Because of the direct relation between price and quantity. Well, so what is the reason for upward sloping demand supply curve is direct relation between price and quantity. Others are actually not the reason. Because while drawing the supply curve, you are assuming the law of supply, which says other things remaining constant. Right? So answer cannot be all of these, please remember. It's not profit maximization, it's not number of producers, right? So, was a very tricky question. Coming to question number 31. Cross elasticity of demand is positive for substitute goods. An increase in the price of one commodity leads to increase in the demand of another commodity. Ek ka jab price badhta hai, sir, agar Pepsi ka price badh jayega, to Coca-Cola ka demand badh jayega, sir. So positive and increase. Answer 31 का is A. So is that portion clear? अभी देखो बहुत जन ओपन बुक एग्जाम था देखा जाए तो आप लोग सॉल्व करके आए फिर भी कितना रॉन्ग हो रहा है। 32, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ गुड इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर, नीड्स नो एक्सप्लेनेशन। 33, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस the demand for cars will decrease because these are complementary goods. हाँ सर ऐसा क्वेश्चन भर देना चाहिए था, हाँ सर सबका 40 and 40 आ जाएगा। X ante demand is also known as intended demand, anticipated or expected. X ante Latin word है, that stands for anticipated, that is intended over here. ये एक सेंटेंस एक्सपोस्ट नेशनल इनकम वाले चैप्टर में आएगा, जो अब ऑब्वियसली टर्म वन में नहीं है उसमें आएगा अगेन वापस से। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 35, द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल्स टू
मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS. क्लियर? नेक्स्ट, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 36. प्राइस इफेक्ट इज इक्वल्स टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज इक्वल्स टू प्राइस इफेक्ट. यस, ये बुक के अंदर में सिर्फ एक, अगर आपने फ्रैंक की बुक फॉलो करते हो, सिर्फ एक लाइन है. इसीलिए बाबा बोलते हैं दैट हर एक लाइन को पढ़ना होगा आपको. सब्जेक्टिव में क्या होता है ना, आप 10 पॉइंट का अगर आंसर है, आप 6 पॉइंट लर्न करते हो जाएगा, 4 मार्क्स के आंसर में और कितना लिखेंगे. बट MCQ वाले में आपको 10 का 10 पढ़ना पड़ेगा, कहीं से भी आंसर बना सकते हैं हम लोग, कहीं से भी हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37. सोशल कॉस्ट इज प्राइवेट कॉस्ट प्लस द एक्सटर्नल कॉस्ट. क्वेश्चन नंबर 38. डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ गुड्स ऑफ स्नॉब अपील. बाइंग ए फरारी, यस दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ स्नॉब अपील. ओपनिंग ए बैंक अकाउंट इज नॉट समथिंग डेमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, इट्स नॉट फॉर लुकिंग एट अदर्स. दैट इज अ पार्ट ऑफ योर, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर नेसेसिटी नाउडेज. इट्स नॉट अ स्नॉब अपील. क्लियर? नेक्स्ट, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 39 एवरीवन. शॉर्ट रन refers to the period of time when output can be increased by increasing dash while keeping dash constant. Labor. First thing, by increasing labor, ये तो clear है. तो इसका मतलब दैट समझो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता और डी तो नहीं हो सकता, अब बचा बी और सी. तो इंक्रीजिंग लेबर, दोनों में लेबर है इसीलिए बी और सी. अब रहा बात while keeping dash constant. लैंड कॉन्स्टेंट. अब दोनों में कौन सा ज्यादा क्लोज है आपको यह देखना पड़ेगा, क्लोज ऑप्शन कौन सा ज्यादा है. लैंड वाला ऑप्शन ज्यादा क्लोज है क्योंकि अब यहां पे कंफ्यूज एग्जाम हॉल में, यहां पे केबीसी के से 50-50 आपने यूज कर लिया, ए और डी तो ऑफ हो गया, अब बचा बी और सी. अब इसमें आपको देखना पड़ेगा कौन सा ज्यादा क्लोज ऑप्शन है. क्लोज ऑप्शन इज लेबर एंड लैंड, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट 40. When a fall in the price of commodity results in increase in total expenditure. Now this comes from the total outlay method, right? The elasticity of demand will be greater than 1. अब इसका आपको सारा varieties learn कर लेना चाहिए. आपको याद होगा अच्छे से क्लास में कराया हुआ आप लोगों को, ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना होगा कि यहाँ पे क्या बोला था, प्राइस अगर इंक्रीज फॉल कर रहा है तब अगर टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहा है, दे मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन. बहुत सिंपल, दो बातें बताए थे, प्राइस एंड टोटल आउटले अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो इलास्टिसिटी विल बी ग्रेटर देन 1, एंड प्राइस एंड टोटल आउटले अगर सेम डायरेक्शन में मूव करता है इट विल बी लेस देन 1. ये इसलिए याद रखना जरूरी है बिकॉज यहाँ पे प्राइस का फॉल दिया था, प्राइस का इंक्रीज भी तो दे सकता है, तब क्या करोगे. तो आपको ये ध्यान रखना है, अपोजिट डायरेक्शन ग्रेटर देन 1, सेम डायरेक्शन लेस देन 1. उसका जितना भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है सारा सॉल्व कर सकते हैं, एंड अगर टोटल सेम रहता है तो याद ये इक्वल्स टू 1. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 41. द डिमांड फॉर अ कमोडिटी रिफर्स टू क्वांटिटी डिमांडेड वेरियस पॉसिबल प्राइसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज नॉट डिजायर, इट्स नॉट नीड ऑफ द कमोडिटी. एंड नंबर सी एंड डी बहुत क्लोज था देखा जाए तो, बट सी में क्या था, क्वांटिटी लोएस्ट प्राइस, वो गलत था, इसलिए ऑप्शन इज डी. नेक्स्ट, डिमांड से बहुत क्वेश्चन दिया है. 42. द डिमांड फॉर लेबर, अगेन लेबर का बैकवर्ड बेंडिंग तो दिया ही था, अभी एक और दे दिया. डिमांड फॉर लेबर इज डिराइव डिमांड. लेबर फॉर डिमांड इज डिराइव डिमांड बिकॉज जो प्रोडक्ट बनाता है उसके डिमांड पे डिपेंड करता है. नेक्स्ट 43. Jiffin goods are inferior goods whose demand falls with a fall in their price. Jiffin goods are yaad hoga special type of inferior goods whose demand falls with a fall in their price. 44. Total utility refers to the total satisfaction derived by the consumer from the consumption of स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, नॉट एडिशनल, बिकॉज एडिशनल वाले में तो मार्जिनल यूटिलिटी हो जाता है, मिनिमम मैक्सिमम तो बेकार ऑप्शन दिया वैसे भी. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45.
रिटर्न्स टू फैक्टर, रिटर्न्स फैक्टर कौन सा होता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, शॉर्ट टर्म वाला याद होगा. चलिए, ए क्वांटिटी ऑफ ओनली वन फैक्टर इज चेंज्ड, क्लियर, बिकॉज ऑल फैक्टर्स इन चेंज तो लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल हो जाता है, राइट. 46. इकोनॉमिक कॉस्ट रिफर्स टू द सम ऑफ बोथ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट इज इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट, नॉट अदर्स, अदर्स आर नॉट इंक्लूडेड. क्वेश्चन नंबर 47. मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट विथ ईच सेलर सेलिंग डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स विच आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स टू द प्रोडक्ट. याद होगा मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन का एग्जाम्पल, मार्केट फॉर सोप्स, शैम्पूज, टूथपेस्ट, डिटर्जेंट्स, राइट, वेयर ईच प्रोडक्ट इज अ क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट्स आर डिफ्रेंशिएटेड. एंड ये भी याद होगा प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन कैसे क्रिएट करते हैं, थ्रू हेवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट 48. नॉर्मल प्रॉफिट इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट इज हाई एनफ सो दैट फर्म्स इन द इंडस्ट्री आर इंड्यूस्ड टू रिमेन द इंडस्ट्री येट लो एनफ सो दैट. नाउ दिस इज ओल्ड फर्म्स विल वांट टू एक्सपैंड देयर ऑपरेशंस, राइट. नेक्स्ट 49. फर्म्स मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट By producing a level of output at which, अब आई डोंट नो काउंसिल ने ये गलती कैसे कि ये क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया देखा जाए तो, याद है ये क्वेश्चन सेकेंड टाइम रिपीट हो गया. अच्छा जिसको नहीं आता उसका दो जाएगा, ये बात भी सही है, सोचने की बात ये भी सही है. क्वेश्चन 50. द डिमांड कर्व फॉर द फर्म ऑपरेटिंग अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज परफेक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द आउटपुट एक्सेस, याद होगा, राइट.